प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ एवं सिद्ध शक्तिपीठ सत्य तीर्थ आश्रम भवानीपुर अनोरा कला फैजाबाद रोड लखनऊ की पावन भूमि पर भगवान के ओम रूप दर्शन का वार्षिक समारोह आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति माँ पूनम जी एवं दिव्य शक्ति योगीराज श्री अभिनव महाराज की पावन उपस्थिति में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ भगवान की वाणी के पाठ से हुआ। 22 दिसंबर 1979 को श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ ने भगवान के लिए लिपि रूप पर जब प्रसाद अर्पित किया तब उनके पावन कर कमलों के स्पर्श मात्र से प्रसाद में भगवान ने रूप में दर्शन दिया। उस दिन से प्रत्येक वर्ष भगवान का ओम रूप दर्शन का वार्षिक समारोह सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में मनाया जाता है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति माँ पूनम जी एवं दिव्य शक्ति योगीराज श्री अभिनव महाराज के श्रीमुख से भारतवर्ष के अनेक शहरों से आए हजारों भक्तजनों ने अपने अपने आध्यात्मिक प्रश्न एवं जिज्ञासाओं का समाधान पाया। कर्मकांड अंधविश्वास एवं जाति प्रथा में उलझे हुए भक्तजनों को जीवन जीने की सही दिशा एवं उचित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में यहाँ पर हैं और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सत्यता को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, जो आपने पूछा कि ये आयोजन केवल एक बार होता है साल में या वर्ष भर, तो मैं कहूँगी कि एक आयोजन के रूप में, जैसे हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन करते हैं, सभी लोग करते हैं, तो कहने को तो वर्ष में एक ही बार होता है, लेकिन पूरे वर्ष हम श्री कृष्ण भगवान को नहीं भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ईश्वर का सत्य और धर्म रूप, तो ईश्वर का सत्य और धर्म रूप ऐसा है जो कि हम केवल वर्ष में एक बार हमें याद नहीं रखना चाहिए, हमें पूरे वर्ष उसके लिए एक मन में तो रखनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम कहें कि धर्म केवल हम लोग जहाँ तक समझते हैं कि केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का वास्तविक रूप है कर्म। उस रूप में देखा जाए हम वर्ष का पूरा क्या, ये अभी आप जो यहाँ देख रहे हैं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कर्म रूप में हम लोग कुछ ना कुछ हर समय किया करते हैं। कर्म रूप में क्या, कर्म रूप में हम मानवता की सेवा को ही मुख्य मानते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मंत्र है जाति है इंसान के, धर्म है मानवता। अगर हम ये कह रहे हैं जाति है इंसान की, तो वास्तव में हम उसका पालन करते हैं। हमारे जितने लोग आप देख रहे हैं वो सब लोग अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के बैठे हुए हैं, हम उनको उतना ही सम्मान देते हैं। क्यों सम्मान देते हैं, क्योंकि ये शरीर जैसा मैंने अभी आपको बताया ये पहचान नहीं है, आत्मा हमारी पहचान है। आत्मा हमारी पहचान है तो आत्मा की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। नाम धर्म, और हर प्राणी में हम ईश्वर का दर्शन करते हैं। हर प्राणी, वो आकार कोई भी हो, हमारा आकार हो चाहे वो पशु पक्षी के। धर्म की बात कर रही है, बहुत ही जल्दी राम मंदिर तैयार होगा, प्रधानमंत्री द्वारा शुभारम्भ किया जाएगा, क्या कहना है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अगर भगवान को देखा जाए, फिर वही हम उनको श्री कृष्ण भगवान कहें तो भगवान राम कहें। भगवान राम तो आपको मालूम है मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने मर्यादा रखने के लिए अपने राजपाट को भी त्यागा, जिनके मतलब कर्मों के द्वारा, जिनकी लीलाओं के द्वारा हमें आज मालूम होता है कि माता पिता का भी हमारे जीवन में क्या महत्व है। हाँ, अगर हम भगवान राम को, वो हम भगवान राम जैसे मैंने बताया युग के अंतर के हिसाब से भगवान ने आए अवतार रूप में, उनको हमने भगवान राम का, श्री कृष्ण भगवान का मत्स्य अवतार रूप में किया है, भगवान अलग अलग रूपों में आए। हम उनकी लीलाओं को अपने अंदर धारण करें, हम उनकी कथाओं को केवल कथा रूप में ना, कथा तो हमारी भी हो सकती है आपकी भी हो सकती है, आपकी भी जीवन की कुछ कहानियां होंगी मेरी भी जीवन की कहानियां, हम हैं साधारण। अब वो अवतार रूप में आए तो मैं सबसे कहना चाहूंगी जो भगवान राम ने अपने मर्यादित जीवन के द्वारा हम सबको सिखाया, हम सब उसको धारण करें। चैनल देशपद्म न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें।